भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में पैदा हुए और वो शिक्षा के लिए संदीपन गुरु के आश्रम उज्जैन गए थे। आज मैं जिन रास्तों से वो गए थे, यहां से भरतपुर, कोटा, झालावाड़ और इस रास्ते से उज्जैन पहुंचे थे, आज हम श्री कृष्ण गमन पथ उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ विषय आज हमने मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों सरकारों ने मिलकर के हम कृष्ण गमन पथ का निर्माण करेंगे। और वहां जहां उन्होंने जो हमारे पौराणिक आस्था के केंद्र हैं और जहां जहां वो गए हैं उन सभी स्थानों को चिन्हित किया गया है, उन स्थानों को हम प्रमुखता से मानचित्र पर लेकर के श्री कृष्ण गमन पथ जो मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में उज्जैन तक गए थे उन सभी स्थानों को विकसित करने का काम करेंगे। आज के इस कृष्ण जन्म के उत्सव पर मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हमारी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ये श्री कृष्ण गमन पथ के काम को हाथ में लेकर के उन स्थानों को जो स्थान पर भगवान कृष्ण के जो स्मृति हैं, उनके मंदिर हैं और उनके और पास के जो मंदिर हैं उनको भी हम पूर्ण रूप से विकसित करने का काम करेंगे। मैं उन्हें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं यहां अभी ब्रज में हूं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उन्होंने लीलाएं की और मैं शाम को उज्जैन जाऊंगा और मैं संदीपन गुरु के आश्रम में भी प्रणाम करूंगा।